बाबा राम रहीम के बाद अब हरियाणा की एक कोर्ट कथित बाबा रामपाल पर फैसला सुनाने वाली है। रामपाल पर दो क्रिमिनल केस हैं। राम रहीम के मामले में तो उसके दोषी घोषित होने के बाद हिंसा हुई, लेकिन रामपाल को तो पकड़ना भी पुलिस के लिए आसान नहीं था। बात 2014 की है। एक क्रिमिनल केस में रामपाल को 43 बार कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह नहीं आया। इसके बाद उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हिसार के बरवाला वाले आश्रम पहुंची। यह जगह चंडीगढ़ से 200 किलोमीटर दूर है। वहां बाबा के 15,000 समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस अंदर नहीं जा पा रही थी। लगभग 2 हफ्तों तक बड़े से गेट में बंद आश्रम के पीछे लोग छिपे हुए थे। फिर पुलिस ने वहां बिजली और पानी की सप्लाई काट दी। उसके बाद जब खाना खत्म होने लगा, तब लोग धीरे धीरे बाहर आने लगे। कई लोगों का तो कहना था कि उनको अंदर कैद कर लिया गया था और मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया था। पूरी घटना में 200 लोग जख्मी हुए थे और 6 लोग मारे गए थे, जिसमें 5 महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल था। रामपाल के समर्थकों ने अंदर से पुलिस पर गोलियां पत्थर बरसाए थे और पेट्रोल बम और एसिड बम भी फेंके गए थे। रामपाल फिलहाल जेल में है। उसे 2014 में गिरफ्तार किया गया था। 67 साल के रामपाल पर मर्डर का भी एक केस है। रामपाल पर 11 साल पहले एक साजिश रचने का भी आरोप है, जिसमें उसके एक समर्थक ने रोहतक में गांव वालों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें एक मौत हो गई थी और कई जख्मी हो गए थे। खट्टर सरकार आने के बाद पहली बार राज्य में ऐसी घटना हुई थी। इस पर बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई थी। रामपाल जब पकड़े गए थे, तब उनके आश्रम से प्रेगनेंसी किट आदि भी बरामद किए गए थे। रामपाल पहले इंजीनियर था, बाद में वह बाबा बन गया। रामपाल पर आज फैसला आने वाला है और हरियाणा में धारा 144 लगाई जा चुकी है। दोस्तों, अब देखना ये होगा कि बाबा राम रहीम की तरह बाबा रामपाल पर भी कोई बड़ा बवाल ना हो जाए। पुलिस पूरी मुस्तैदी से तैनात है और हर संभव प्रयास कर रही है कि हरियाणा में अब और कोई दंगा ना हुए। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाबा रामपाल से जुड़ी और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।